अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारिस किचन। तो आज मैं आप लोगों को ये गार्डन है पार्क उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये आपको घर है और ये पुणे में है, बहुत अच्छा पार्क है और काफी पुराना पार्क है। कहते हैं कि सबसे पहले यही पार्क बना था, लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है इसको। ये इसकी एंट्री है यहाँ पर देखिए, और काफी सारे लोग थे क्योंकि छुट्टी का टाइम था तो बहुत रश थी। और इधर लेफ्ट हैंड में ये टिकट के लिए काउंटर था, यहाँ से आप टिकट वगैरह लेकर अंदर जा सकते हैं। और काफी सारे इसमें राइड्स है बच्चों के, छोटों के, छोटे बच्चों को, एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। और मेरे बच्चे आए हुए थे नवासी दोनों, उनको कहीं घुमाने लेकर जाना था, एक पार्क खुला था तो हमने सोचा इधर ही जाते हैं। अच्छा, काफी अच्छा लगा और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है इसको, साफ सुथरा एकदम। और ये देखिए, ये जो झूला, इस पे 4-5 साल के बच्चे बैठ सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए, एकदम छोटे बच्चों के लिए नहीं है राइड्स। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरा अच्छे से घूमे, एंजॉय किए। आप लोग देखना कितना अच्छा लग रहा है ये, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और जैसे पूरा लंबाई में बनाया गया है, गार्डन है, बड़े बड़े झूले वगैरह है। तो हम लोग ने पूरा एक लाइन से हम लोग घूम रहे थे और बच्चों ने काफी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। काफी सारी पब्लिक थी, अरे सुबह का ही टाइम थे, तकरीबन 12 बजे खुलता है ये, और उसके बाद ही हम लोग गए थे। तो हम लोग शाम तक थे वहां पर। आप लोग देखना, ये देखिए यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर सारे लोग खड़े रह के फोटो वगैरह निकालते हैं और बहुत अच्छे फोटो वगैरह आते हैं। और यहाँ पर टिकट बच्चों के लिए कुछ 40 रुपीज था और बड़ों के लिए 60 रुपीज। आप अगर पूरा पैकेज भी लेते हैं पूरे राइड्स, तो बच्चे वैसे बैठते भी नहीं है, बड़े भी नहीं, सब लोग बैठे, तो कुछ 450 या 400 रुपये था। तो हम लोग ने ऐसा नहीं लिया था, हम लोग जो राइड में बैठना है उसका अलग अलग से टिकट भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो एंट्री फीस थी बड़ों की थी कुछ 100 रुपीज और छोटों की 50 रुपीज, तो हम लोग ने वैसा लिया था। और फिर अंदर जाके जो जिसमें बैठना है उसके हम लोग राइड्स के पैसे भरे थे। तो आगे आप लोग देखो, इधर होटल भी बहुत अच्छा है खाने पीने के लिए, काफी बड़ा था। और यहाँ पर ये कुछ पुराने टाइप के नलिया वगैरह बोलते हैं हम लोग इसको, बचपन जो खाते थे वो याद ताजा हो गई, तो हम लोग ने वो खरीदे थे। काफी टाइम के बाद ये भी हम लोग ने खाया है। और यहाँ पर होटल है और जूस सेंटर था, आइसक्रीम की दुकानें, और फिश फिश का जो स्पा रहता है ना वो भी था, तो काफी लोग इसमें भी ये कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और बच्चों को पेंटिंग वगैरह बनानी है हाथ पे या कोई चेहरे पे बनाता था वो भी था। और खिलौने के छोटी छोटी दुकानें भी अंदर थी, तो अच्छे अच्छे खिलौने जो चाहे तो ले सकते हैं। और एक ये पार्क में अच्छा था कि आप लोग घर से भी कुछ खाना वाना बनाकर भी ले जा सकते हैं, अंदर बैठ के आराम से खा सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों ने, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज आए हुए थे उन्होंने तो खाना वाना बनाकर लेकर गए थे घर से, लेकिन हम लोग ने तो वही होटल में खाना खाया था। और ये डेसिन कार में लोग बैठे थे मेरे बच्चे। तो आगे आप देखेंगे इधर भूल भुलैया भी है, जो हम लोग ने वहां पर ये किया था तो काफी मजा आया। तो अच्छा बड़ा था वो भी, और भूत बंगला भी है। तो चलिए, आप हमारा पूरा वीडियो देखना, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।